अच्छा चलेगी, चलेगी। साड़ी किसकी थी वो? यार वो मेरा ख्याल है भाभी ने अरेंज की थी। अच्छा भाभी ने भिजवाई थी, और हाँ भाभी ने ही भिजवाई थी, पता नहीं भाभी कहाँ से मंगाई होगी, या तो प्रॉप्स की होगी, अच्छा मैं शुगर वार्डरोब की होगी, या कहीं से मंगवाई होगी, लेकिन वो अच्छी साड़ी थी। अच्छा भाई पहन के कुछ मजा आया। हाँ करना ये है कि आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों से जो सवाल पूछा जाए बस उसका जवाब लिख लें आप। याद कर लो यार, सही है जी। पहला सवाल ये है, पहला एक करना है, बहुत सारे बहुत सारे भाई बहुत सारे। पहला सवाल ये है कि झगड़ा हर कपल के अंदर होता है, ठीक है, दरमियान हो रहा होता है, आपका सबसे रीसेंट झगड़ा जो लास्ट झगड़ा हुआ वो किस वक्त हुआ था और किस बात पे हुआ था? देख दीजिए लास्ट झगड़ा। मैं जाके पीछे फॉलो करता हूँ, आप सवाल पूछ। हाँ जी देखिए चीटिंग ना करें। अच्छा कंटिन्यू कंटिन्यू, हो गया झगड़ा पूछना पड़ेगा, 10-15 साल पहले हुआ था। नहीं नहीं कंटिन्यू अभी। अच्छा सबसे रीसेंट झगड़ा, लास्ट झगड़ा कब हुआ आप दोनों का? 10-15 साल तो ये बोले ना आप, लिखे सिर्फ। अरे आपस में पता है, नहीं कोई कह रहा हूँ, इतना अर्थ हो गया, हम लड़ते नहीं है, ये साबित करना चाहते हैं। सिर्फ लिखे लिखे जाना लिखे छूते तो लगे लिखे मेरे तो खड़ा। हाँ जी चले दूसरा सवाल, पहले का जवाब तो लिख लेंगे। ये बच्चे बता दो कब हुआ बताओ, वो उनसे अभी नहीं बताई नहीं रही, तुम्हें याद होना चाहिए। बड़ा पॉज ले रही हो, बीच में जिन खड़ा है जिन है वो एक्टर चेंज करवाइए, बहुत चीटिंग कर रहे हैं। तुम उधर आओ मेरे पास, आप प्लीज जगह चेंज करिए, उधर मेरे पास आओ, चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा यही 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 नहीं कर रहा चीटिंग। अच्छा चलो एक मिनट रुकना यार, मोस्ट रीसेंट झगड़ा 10 कोई नहीं 2 बजे तक जवाब दे देना। हां याद आ गया, मोस्ट रीसेंट झगड़ा अभी हुआ था, बोलना नहीं देख लो। हां अच्छा दूसरा सवाल ये है कि झगड़ा मोस्टली किस बात पर होता है सबसे ज्यादा शदीद और अक्सर किस बात, वो कौन सी ऐसी बात है जिससे बहुत ज्यादा शदीद और अक्सर गुस्सा और झगड़ा हो जाता है? किस बात पे आप दोनों का झगड़ा हो जाता है? एक कॉमन जिस पे झगड़ा हो, हाँ एक कॉमन बात होती है ना कि मोस्टली उस पे झगड़ा हो जाता है, ये जूते यहाँ उतारते हैं तो उस पे रोज ही तकरीबन झगड़ा हो रहा है, तो वो झगड़ा किस बात पे होता है? रोजाना वाला, रोजाना तो ऐसा कोई क्या शहूद लिख देना, कुछ भी लिखते हैं यार, कुछ भी लिख दें, किसी बात पे जिस पे शहूद को बहुत गुस्सा आ जाता हो और ये बोल पड़ते हो, लिख दें बस, बोलना नहीं। भाभी के शादी के जोड़े का रंग था शॉकिंग पिंक, उस दिन उनकी सैंडल्स का क्या रंग था? ओए ओए अब देखते हैं, भाभी आपने भी लिखना है और आप भी लिख दिएगा, देखते हैं कितना याद है। ओए ओए भाभी की सैंडल का क्या रंग था? मेबी अगर शहूद की कोई चीज घर से गायब हो जाए, मैं बैठा हूं, अगर शहूद की कोई चीज घर से गायब हो जाए तो सबसे पहला इल्जाम वो किस पे देते हैं या किसका नाम लेते हैं कि तुमने गायब की होगी या तुमने दर्दर रखी? ये इल्जाम देती हैं या मैं देता हूँ? आप इल्जाम देते हैं, अगर आपकी आपकी कोई चीज अगर गायब हो जाए तो आप सबसे पहला इल्जाम किसको देते हैं? गिरा मत देना, चल चल नहीं गिरी है इसका, मैं किस पे इल्जाम लगाता हूँ अगर मेरी कुछ गायब हो जाती है? हाँ जी सबसे पहले एक होता है ना कि भाई तुमने ये दर्द की है या उसने की है, सबसे पहला नाम। थैंक यू यार, लव यू। सॉरी का यूज घर में कौन ज्यादा करता है? सॉरी का लफ्ज कौन यूज करता है भाई? सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? इतनी गलतियाँ क्यों करते हो फिर जो बार बार सॉरी बोलना पड़े? आप भाभी से चाय ले लीजिए, वो लिख नहीं पाएंगी। भाभी चाय इधर मुझे। सॉरी का यूज कौन ज्यादा करता है? भाभी छुपा के पर्चा हो रहा है समझ। हाँ जी और चीटिंग आपके शो में वाकई में बहुत चीटिंग करते हैं। मोबाइल में शहूद ने आपका नंबर किस नाम से सेव किया हुआ? सिर्फ एक जवाब सही होगा वही होगा। क्या आपकी कही बात पहली बार में मान लेते हैं, हाँ या नहीं? अगर कभी काम से लेट हो जाएं तो अक्सर रीजन क्या देते हैं? कि को एक्ट्रेस जो थी वो सेट पे लेट आई थी, टायर पंक्चर हो गया था, शूट डिले हो गई, या फिर जो भी आपको लगे, जो भी आपको लगे ना, हाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी सबसे ज्यादा झूठ किस बात पे बोलते हैं? अब ये मैं खुद मुंह से कैसे बताऊं, मैं तो बोलूंगा नहीं, लिखता मैं फोन उठाने पे सारे फोन यही उठा दिए ज्यादातर। ओए हाय
चलें जी ये हो गए तमाम सवालात। सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा झूठ किस बात पे बोलता है? इनसे सवाल हुआ मुझसे तो। आप भी लिखिए ना, आप भाभी किस बात पे बोलते हैं? आप किस बात पे झूठ बोलते हैं? हमको पता होगा तो मैं वो क्यों बताऊंगा, मैं तो पागल हूँ, ये बताना पड़ेगा। मैं झूठ, कॉमन सेंस की बात है, सवाल ही गलत है टेक्निकली। हमने सवाल ही कैंसिल कर दिया, आप ले लीजिए बस पर्चा दे दे ना, टेक्निकल आठ सवाल। एक मिनट एक मिनट, आप लोग को हम आठ में से नंबर देंगे। इससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा चीटिंग की है और वो अभी मुस्तकिल चीटिंग किए जा रहे हैं। पर्चा खत्म हो गया फिर भी चीटिंग किए जा रहे हैं, तो अभी हम ब्रेक में देखते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और फिर इन सवालों के जवाब भी देते हैं और कुछ और। कंटिन्यू। अच्छा ठीक है भाई, आ जाए ब्रेक के बाद। खुशामदीद, सुबह बखैर। सुबह बखैर, सॉरी अब तो आफ्टरनून होने वाला है, तो क्या कर सकते हैं, वक्त इतनी जल्दी गुजरता है पता ही नहीं चलता। यहाँ बैठ के अभी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो मेरे कान में कह रही थी कि चार घंटे का कर लें शो, कर लें, आई हैव नो इश्यूज। लेकिन खैर, आयशा ने कुछ सवाल किए थे, पर्चे जो है वो मेरे हाथ में आ चुके हैं। पहला सवाल क्या था आपका आयशा? पहला सवाल ये था कि झगड़ा हर कपल में होता है, आपका सबसे रीसेंट झगड़ा जो है, जो लास्ट हुआ हो, वो कब हुआ? भाई भाभी ने लिखा है अगस्त 2010 और इनका कहना है काली साड़ी पे, और बिफोर एनिवर्सरी। बिफोर भाभी जो कहती है वो सही कहती है, इसलिए शहूद का आंसर गलत हो चुका है। काली साड़ी पे क्या मतलब? कमीज तेरी काली? या भाई यार, ईद की वजह से दर्जियों ने कपड़े लेने बंद कर दिए। अच्छा, और हमारी एनिवर्सरी ईद के फौरन बाद थी, बल्कि इवन थर्ड डे थी। अच्छा, तो अब वो इनकी एक साड़ी थी जिसमें नीचे फॉल लगने थी, क्या होना था? हाँ, अच्छा सा काम था, वायरलेस फॉल लगानी होगी। वो मुझसे कह रही थी कि आप टाइम निकालें तो मैं आपके साथ जाऊंगी, दर्जी को दे के आऊंगी। दर्जी जरा दूर है, वो टाइम नहीं निकल सका ईद के चक्करों में, मैं शूटिंग पे लगा रहा। दिनों में तो ऐसे काम होते हैं जैसे ईद का पता ही नहीं, 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 नहीं सारी छुट्टियां बिलों से निकल आई हैं। अगस्त 2010 वाली लड़ाई किस बात की? अच्छा वो ना मुझे खुद भी वैसे याद नहीं आ रही कि वो बात शुरू कहाँ से हुई थी। चले खैर, अगला सवाल याद है आपको? अगर हमारी वैसे बहुत कम लड़ाई है, आप दोनों का झगड़ा बीवी में ज्यादा होती है ना, अभी बहुत ही कम कोई लड़ाई। गुड, अल्लाह करे आप लोग बिल्कुल भी ना लड़े, हमारी तो ये दुआ है, बाकियों को भी नहीं लड़ना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा लड़े। अच्छा, दूसरा सवाल था झगड़ा किस बात पे होता है? इसका दोनों ने एक ही बिल्कुल सही जवाब दिया है, उन्होंने लिखा बिकॉज ऑफ किड्स, इन्होंने लिखा बच्चों को डांटने पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तीसरा सवाल था भाभी के जोड़े का रंग पिंक था, उनकी सैंडल्स का क्या रंग था? वाह 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 वाह, इन्होंने मरून लिखा है, इन्होंने शॉकिंग पिंक एंड गोल्डन लिखा है अपने। आधा जवाब तो सही हो गया, मरून। शॉकिंग पिंक तो कपड़ों का रंग था, तो वो तो कोई नहीं, सिर्फ ऊपर से देख रहे होगे ना, तो तुम्हें यहाँ से शॉकिंग पिंक ही लगा। पागल है, किसी आदमी की शादी होगी वो जूती क्यों देख रहा होगा भाई? एग्जैक्टली, वो तो फेस देख रहा होगा। अगर उसमें भी मैंने शॉकिंग पिंक कह दिया तो मैं तो चीता हूँ कोई बहुत बड़ा। ले गया भाई, सही है जवाब। पहले बीवी की हर चीज नोटिस की जा रही थी, ओह वाओ नाइस शूज, ओह वाओ नाइस ड्रेस, तो ये तो देखना पड़ता है। इतना ही देखेगा ना बंदा, यूं करके तो नहीं देखेगा, ओह वाओ नाइस। क्या हो गया? अगर वैसे एक बात बताऊं, कोई शौहर अपनी बीवी के शूज देखता रहे ना तो लानत है ऐसे आदमी पे। शादी की शक्ल नहीं देख रहा, जूते देख रहा तो आखिरी टाइम पे बंदा जूते देखना शुरू होता है। अच्छे, आफ्टर 60, आफ्टर 50, 30 का देखना वो तो आदत हो जाती है ना। फटफट आगे। हां, आप पैरों की बात करें, पैर में देखता हूं। हाँ, चलो, अगर शहूद की कोई चीज गायब हो जाए तो सबसे पहले इल्जाम किस पे लगाते हैं? बेगम मी। दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, उन्होंने कहा मी। बेचारी बेगम, शुमाइला मत बनो, आयशा रहो। सॉरी का सही भी कर रही है साथ में, कोई तरीका? अच्छा चलो, सॉरी का यूज कौन ज्यादा करता है? भाभी ने लिखा है मी, इन्होंने लिखा है मैं। दोनों ही करते हैं जवाब, दोनों का मैच कर गया जवाब। सेम आंसर है भाई, मैं नहीं, तुमने कहा मैं, भाभी ने कहा मैं, सेम आंसर हो गया, दोनों ने लिखा मैं। अबे सही है, टेक्निकली अपने खाते में लेके जा रहे हो, अपने खाते में लेके जा रहे हो। तो मैंने भी यही लिखा है, मैं तो मैं सही है, हम दोनों एक ही है ना। ओहो, माय गॉड। अच्छा जी, चले जी अगला। ये सबसे इंटरेस्टिंग जवाब इनकी दोनों की तरफ से है, मोबाइल में शहूद ने अपनी वाइफ का मिसेस का नंबर जो है वो किस नाम से सेव किया है? दोनों का सही जवाब। और क्या जवाब है? मेरी औरत। मेरी औरत, ये क्या यार, एक ही है ना मेरी वाइफ।
क्या आपकी कही बात पहली बार में मान जाते हैं? हाँ, यस। यार क्या बात, क्या बात। अगर कभी काम से वापसी में लेट हो जाए तो क्या रीजन देते?